हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस शेयर के बारे में। दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस मार्केट के साथ इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लगातार डाउन ट्रेंड में शेयर जा रहा है। दरअसल बात यह है कि LIC भी इसी सेक्टर में कदम रखने वाली है और मनप्पुरम के लिए तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना अब बहुत मुश्किल होगा। इस कारण के इस शेयर के वैल्यू में डिवेल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब चलिए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट की राय, क्या करना चाहिए और किस लेवल पर इसे खरीदना चाहिए या इसे खरीदने से बचना चाहिए। आस्था, आपसे पहले राय लेंगे और इस पर एक टेक्निकल नजरिया भी हम लेंगे आदित्य से बाद में। आप ये बताइए कि अब तो काफी ज्यादा इनको नुकसान है, 200 की खरीद वाला शेयर 100 रुपए के नीचे है, और क्या कोई आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं या फिर लगता है कि कोई रिवर्सल इसमें आएगा? देखिए, गोल्ड में जिस तरह से भारी उठापटक हो रही है, इनफैक्ट हमने कल भी देखा कि जब फेड का डिसीजन आया तो अक्रॉस द एसेट क्लासेस हमने एक सेल ऑफ देखा, गोल्ड भी यहाँ पे बचा नहीं उससे। तो वो जब इतनी भारी उठापटक होती है तो गोल्ड लोन कंपनीज को यहाँ पे वाकई में एक नेगेटिव फेज देखना पड़ता है। और लास्ट एक साल से गोल्ड में यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आए। अब अगर मैं मन्नापुरम पर्टिकुलर की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि एक लीडिंग कंपनी है जो गोल्ड लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके दूसरे सेगमेंट्स भी हैं जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस वगैरह सब आता है, माइक्रो फाइनेंस आता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे सेगमेंट्स है, स्पेशली अगर मैं MFI सेगमेंट की बात करूँ, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की बात करूँ, तो वो आगे जाते हुए एक ग्रोथ को ड्राइव करेगी कंपनी के और हमें वहां पे मार्जिन बढ़िया देखते हुए नजर आएंगे। बैलेंस शीट भी इस कंपनी की ओके है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गोल्ड में जो भारी उठापटक है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बहुत ऊपरी स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है, आने में काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर रिस्क नहीं ले सकते तो पेशेंटली होल्ड कीजिए। लगभग 1 वर्ष की समय सीमा के साथ अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में तैयार रहिए, वॉलिटिलिटी रहेगी, गिर सकता है स्टॉक। तो रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियल लॉस बुक करके निकल जाए, और रिस्क ले सकते हैं तो 1 साल के नजरिए के साथ होल्ड।